बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीडियो एक शॉर्ट से वीडियो है और इसके इसमें हम डिस्कस करेंगे पीएमएस रिफॉर्म्स के बारे में। बहुत सी र्यूमर्स जो है वो इन एयर है, ऑन एयर है कि पीएमएस की जो रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में क्या क्या जो है वो स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश की है, तो आप ये वीडियोज़ देखें। अच्छा, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो पीएमएस रिफॉर्म्स हैं ये पंजाब के बारे में, ठीक है, जो पंजाब की पीएमएस होता है पंजाब प्रोविंस में उसमें है। अच्छा, और ये रिफॉर्म्स दो चीज़ों के बारे में है, एक सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में क्या चेंजेस आएंगी, और मतलब अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है डिलीट हो रही है तो मतलब इस तरह किस तरह चेंज होगा, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और दूसरा है मीडियम। मीडियम का मतलब है कि किस लैंग्वेज में आप जो है वो पेपर देते हैं। आपको पता है कि फ़िलहाल जो है वो उर्दू वर्सेस इंग्लिश दो मीडियम चल रहे हैं पंजाब में, ठीक है, कि आप मतलब ये अपने, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश प्रेसिक कंपोजिशन और ऐसे के अलावा बाकी तमाम पेपर जो हैं वो आप उर्दू में भी दे सकते हैं। अब तक की जो है वो पीएमएस के मतलब जो आपका पैटर्न चल रहा है उस लिहाज से जितने भी एजुकेशन हो गया, फ़िलासफ़ी हो गई, जियोग्राफी हो गई, ठीक है ना, जितने भी पेपर्स हैं आप उन्हें, बहुत से पेपर्स, ठीक है ना, तो आप उसे उर्दू में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें इस्लामियात हो गई, पाकिस्तान स्टडीज़ हो गई, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे लाइक जनरल नॉलेज की, क्योंकि जनरल नॉलेज में आपको पता है कि एमसीक्यूज़ होते हैं जो आपका जीके का पेपर होता है, तो उसके अलावा जितने बहुत से पेपर्स हैं आप मतलब उसमें उर्दू में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। अच्छा, हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि जो सिलेबस है उसमें देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ एडिंग सब्जेक्ट्स। कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो ऐड करना चाह रहे हैं जो पीपीएससी वाले हैं, और क्या इसमें जो है वो चेंज है कि देर आर चांसेस टू फॉलो अप टू सर्टेन एक्सटेंट एफपीएससी सिलेबस एंड सब्जेक्ट। बहुत से सब्जेक्ट्स लाइक क्रिमिनोलॉजी हो गया और मतलब आईआर पॉलिटिकल साइंस तो पहले ही है, ठीक है ना, इस तरह के आई लॉ हो गया वगैरह वगैरह, तो बहुत से सब्जेक्ट जो हैं वो आपको मुमकिन है कि पीपीएससी वाले पीएमएस में भी डाल दें जो एफपीएससी में चल रहे हैं, ठीक है। क्या होता है ये तो हम बाद में देखेंगे। दूसरी बात है, जो दूसरा हमारा रिफॉर्म्स के बारे में है वो है मीडियम। अच्छा, मीडियम उर्दू और जो है वो आपका मीडियम इंग्लिश, ये दो मीडियम्स, पहले भी बात हुई है कि आप इन मीडियम मीडिया में पेपर जो है वो दे सकते हैं। एनालिसिस क्या कहता है, अब तक का जो एनालिसिस है वो कहता है कि जो उर्दू है 10% लोग उसे उर्दू में अटैम्प्ट करते हैं पेपर, और जो इंग्लिश है 90% लोग उसे इंग्लिश में अटैम्प्ट करते हैं। तो इस वजह से ऐसा कोई फ़िलहाल की रिफॉर्म्स के मुताबिक जो है कि कोई भी ऐसा सजेशन, ऐसे सजेशन सामने नहीं आई कि वो उर्दू को निकाल दें, यानी कि जिस तरह सीएसएस में एफपीएससी वालों ने रखा हुआ है कि आप लाइक उर्दू में पेपर नहीं दे सकते सिवाय इस्लामियात के, तो उन्होंने यही कहा है कि फ़िलहाल हम क्योंकि 10% बच्चे उर्दू में पेपर देते हैं, तो इस वजह से 10% बच्चों की वजह से हम उर्दू वाला जो मीडियम है उसको निकाल नहीं रहे, हम इंग्लिश में भी बच्चों की जो है वो मर्ज़ी है और उर्दू में भी बच्चों की मर्ज़ी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि नो चेंजेस विल बी इम्प्लीमेंटेड टू पीएमएस 2020। जो पीएमएस आपका 2020 का ये जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है और अभी पेपर है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है। जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, जो बच्चे अप्लाई किया हुआ है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा सिलेबस या हमारा पैटर्न कोई चेंज हो, कुछ चेंज नहीं होगा। ये सम सजेशन हैं 2021 या नेक्स्ट के लिए। अब ये इम्प्लीमेंट कब होती हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ये सिर्फ सम सजेशंस हैं जो कि इम्प्लीमेंट होते होते कुछ अर्सा लग सकता है, और माइट भी कि ये आपका जो है वो 2021 में, यानी कि 2021 में आपका ये इम्प्लीमेंट हो भी जाए, तो इस तरह इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ मीडियम और सिलेबस के बारे में ये जो है वो दो रिफॉर्म्स के बारे में सजेशन आ रही हैं सामने, देखते हैं क्या होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आंसर किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।